हम इस वक्त कोटावाली नदी में खड़े हुए हैं। हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त यहाँ पर हरिद्वार से मुरादाबाद जो जाने का रास्ता है, जो NH74 है, इसे पूरी तरह से बड़े वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पर यातायात बंद कर दिया गया है, छोटी गाड़ियाँ ही महज निकाली जा रही हैं। आप देख सकते हैं ये इस वाले जो गोला है, ये पुल का पिलर, नीचे दो पुल के जो पिलर हैं इनका बैलेंस ख़राब हो गया है और ये पानी, तेज़ पानी के बहाव की वजह से नीचे जा चुके हैं। इन पिलरों में नीचे जाने की वजह से ऊपर का जो पुल है वो उसमें थोड़ा झुकाव एक साइड हो गया है। यहाँ पर इस वक्त कम से कम 20 साल पहले इतना पानी आया था, या फिर बताया जाता है कि अब पहली बार 20 सालों में पहली बार इतना पानी आया है कि पुल के गोले के ऊपर पानी चढ़ गया था। आइए हम आपको दिखाते हैं, इस गोले से ऊपर पानी बह रहा था। फिलहाल इसमें काम चल रहा है, काम कराया जा रहा है। आइए बात करते हैं, हमारे बंदे भी सो रहे थे गोले पे, मतलब जो उनको हटना पड़ा है गोला के, एक बुलंद ऊपर पानी चढ़ गया था गोले से ऊपर। जी गोले पे तुम्हारे बंदे सो रहे थे? सो रहे थे गोले पे। कितने बंदे सो रहे थे? तीन बंदे सो रहे थे। तीन बंदे सो रहे थे। ये किस टाइम की घटना है? ये 2 बजे पानी आया था, रात के 2 बजे। जी हाँ, पानी बढ़ गया था, पानी बहुत बड़ा था। तो इसका जो पुल है, इसका कैसे पता चला ये नीचे जाने का? ये तो साहब दूसरे दिन को पता चला है, अगले दिन लिखने में, दिन लिखने में पता चला है, गोला बैठ गया। अच्छा, गोला बैठने का अगले दिन पता चला। तो इससे पहले कहाँ रहते हैं आप? जी रहता तो मैं यही हूँ फिलहाल में, तो रहने वाला मैं जितने घर का हूँ। तो यहाँ पे कब ऐसा पानी कभी इससे पहले सुनने को मिला? नहीं नहीं साहब, कभी नहीं, हमने सुना ही नहीं। यहाँ के रहने वाले वो भी हमें ये बताते हैं इतना पानी कभी पहले 20-25-30 साल पहले कभी आया, लेकिन इतना पानी कभी नहीं आया। आपका नाम? जी मेरा नाम बाबू राम। हम यहाँ पर हम बाबू राम जी से मिले हैं, जिनका कहना है कि अब से 20 साल पहले इतना पानी आया था। हम दिखाते हैं आपको, इस गोले के ऊपर मजदूर, तीन मजदूर सो रहे थे, जो कि रात के 2 बजे पानी आने के बाद वो मजदूर बहुत, उनकी आँख खुली और वो बहुत ही घबराए हुए, जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी जान बचाई। इस वक्त हम हरिद्वार मुरादाबाद हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर खड़े हुए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कभी लाइन नहीं टूटती थी, इस वक्त यहाँ पर कोई बड़ा वाहन नहीं, दूर दूर तक देखने में नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन ही देखने को मिल रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर पुल को खिसकने से ये पुल जो है वो अपनी जगह से थोड़ा हिल गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर उत्तराखंड के पुलिस द्वारा यहाँ पर ये बोर्ड लगा दिए गए हैं, कट्टे डाल दिए गए हैं, जिससे कि इधर देख सकते हैं। यहाँ पर वह छोटी गाड़ियाँ ही गुजर रही हैं और इधर काम चलाया जा रहा है। यहाँ पर पानी को काट करके एक रास्ता बनाया गया है, जो कि JCB बराबर काम कर रही है पानी को काट करके, ये दूसरी साइड करके यहाँ पर अभी रिपेयरिंग का काम करने की उम्मीद है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इधर ये उत्तराखंड पुलिस द्वारा गया हुआ है। हम इस वक्त हाईवे पर ही खड़े हैं, यहाँ पर महज छोटी ही गाड़ियाँ आ रही हैं। ये पुल इस वक्त बहुत तेज़ी से, छोटी गाड़ी के निकलने पर बहुत तेज़ी से हिल रहा है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो रेलिंग है, वो रेलिंग काफ़ी यहाँ पर झुक चुकी है। अभी हमने आपको नीचे से दिखाया कि ये पिलर अपनी जगह से खिसकने के बावजूद यहाँ पर भारी वाहन को रोक दिया गया है, यातायात को पूरी तरह से रोक दिया गया है। छोटी गाड़ियाँ यहाँ पर निकाली जा रही हैं, छोटी गाड़ियों में भी उसके निकलने से पूरी दहल इसके अंदर मौजूद है। UP उत्तराखंड लाइव TV के साथ कैमरा मैन चुराना के साथ कलीम हुसैन की रिपोर्ट।